देश के सबसे चर्चित चारा घोटाले के पांचवे और अंतिम मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 साल तक की कैद की सजा पा चुके राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें इस मामले में एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। मिली जानकारी की माने रांची के डोरंडा कोषागार से 149.35 करोड़ रुपए के गबन से जुड़े पांचवे और अंतिम मामले में लालू यादव समेत कुल 99 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को बहस पूरी हो गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष लोक अभियोजन बीएम सिंह ने इस बारे में बताया, फैसले के दिन सभी आरोपियों को अदालत में निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार में 149.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामलों में प्रारंभ से 170 आरोपी बनाए गए, इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। मामले में 7 लोगों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया है, 6 आरोपी फरार हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक केएम प्रसाद समेत अन्य मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी पहले ही ठहराया जा चुका है। विभिन्न मामलों में 14 साल तक की कैद एवं 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा लालू को पहले सुनाई जा चुकी है। पहले के 4 मामलों में लालू यादव को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, वर्तमान में वो जमानत पर है। बाकी लालू यादव की किस्मत का फैसला आगामी 15 फरवरी को होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन की रिपोर्ट।